बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आप किधर जा रही हो? स्कूल में क्या करने जा रही हो? पढ़ने। और आज क्या हो रहा है? आजमल जा रही है असेसमेंट के लिए। आजमल का एडमिशन है। इस रोड का नाम क्या है? के ब्रूही रोड, फकीर इपी। जी तो हम पहुंच चुके हैं H11 में। जिमल का आया है लिस्ट में नेम और इसकी है असेसमेंट, और असेसमेंट के लिए हम आ गए हैं अलहुदा का जो मेन कैंपस है H11 में, वहाँ पे। और ये रहा H11 का कब्रिस्तान, अल्लाह माफ़ करें। और सारे मेन जितनी भी मतलब H11 में है ही कैंपसेस वगैरह ही, फास्ट यूनिवर्सिटी हो गई, अलहुदा इंटरनेशनल हो गया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी होगी, और भी काफ़ी लंबा चौड़ा सेटअप है जो कि H11 में है। नेस्कॉम हो गया, नेस्कॉम हॉस्पिटल, वट एवर बहुत कुछ है। तो बस ये पार्किंग भी ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से था। और बेसिकली जिमल का एडमिशन हो चुका है और असेसमेंट जो है वो पहले हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं एक्सपीरियंस जिस दिन हमारी असेसमेंट हुई थी। तो अब इंशाल्लाह अगस्त में इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये मैंने रिकॉर्ड की थी मार्च में वीडियो, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्मेशन होगी इसके एडमिशन की भी, तो मैं अब आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ये तो एक किस्म का मेरा भी ड्रीम ही था कि बच्चों का एडमिशन हो जाए अलहुदा में। इब्राहिम के कुछ रीजंस की वजह से, घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से मैं नहीं भेज सकी थी, लेकिन अब जिमल का जो है उसके लिए थोड़ा स्टैंड ले लिया है कि उसको जो है स्टार्ट से ही इधर करवा दूँ, ताकि बच्चा जो है फिर वो सेट रहता है। और बार बार स्कूल चेंज करने से फिर बच्चों में मसले बहुत हो जाते हैं। तो बस इस वजह से अब जिमल को लेके हम आ गए हैं अलहुदा इंटरनेशनल। बस गाड़ी शाड़ी पार्क करके चलते हैं और फिर आपको विज़िट करवाते हैं। पार्किंग मिली है थोड़ी दूर, काफ़ी लंबा चौड़ा सेटअप है और हमें गेट नंबर 1 पे जाना है। सिमल, मेरा पुत नर्वस है? नो no? 8:30 का टाइम था हमारा। इब्राहिम को जल्दी से स्कूल भेजा और जिमल जहरा को लेके पहुंच चुके हैं। और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जाहरा को भी इधर ही करवाऊंगी। जिमल का एडमिशन हुआ होगा तो जाहरा के में भी आसानी होगी इंशाल्लाह, तो उसका भी जल्दी हो जाएगा। असेसमेंट है आज। थैंक यू। बाकी मैंने प्राइवेसी पॉलिसीज़ की वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। असेसमेंट तकरीबन हाफ आवर से ज़्यादा मेरी और जिमल के बाबा की हुई, और जिमल का भी इतना ही टाइम हुई, मतलब काफ़ी टाइम उन्होंने ब्रीफली हमसे क्वेश्चनिंग की। और काफ़ी मतलब अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल तक मतलब होगी क्वेश्चनिंग, तो लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उनको अच्छे से हमने भी सेटिस्फाइड किया और उन्होंने भी हमें अच्छे से सेटिस्फाइड किया। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बहुत नाइस था। बस हम अपनी टर्न का वेट कर रहे थे।